हम इस चीज़ को क्लियर रखें कि हम पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला दो मुल्कों का मसला है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मुल्क पर कब्ज़ा किया है आर्मी इन्वेजन के ज़रिए और ये इलीगल है लेकिन बलूचिस्तान के अंदर के लोग जो हैं उनके लिए तो इस वक्त बलूच कहना भी बहुत मुश्किल है तो जो हमारा क्लेम है स्टेट हुड का उसको ऑफिशियल होने के लिए गवर्नमेंट इन एग्जाइल की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इन एग्जाइल दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स की बनी है इंडिया की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल रही है जब इंडिया अपनी आज़ादी की स्ट्रगल कर रहा था फ्रांस की रही है और इस वक्त भी तिब्बत की बांग्लादेश की एक सक्सेस स्टोरी है कोयत की रही है तो अलज़ायर की रही है तो गवर्नमेंट एंड एग्जाइल वो बनाते हैं जिस कॉम का ये क्लेम होता है दावा होता है कि वो एक मुल्क हैं और उनका मुल्क छीना गया है ये जो पाकिस्तान का जो नार्टिव है वो ग़लत है और उसको गलत साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को क्लियर रखें कि हम पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला दो मुल्कों का मसला है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मुल्क पर कब्ज़ा किया है आर्मी इन्वेजन के ज़रिए और ये इलीगल है देखिये बलूचिस्तान के अंदर के लोग जो हैं उनके लिए तो इस वक्त बलोच कहना भी बहुत मुश्किल है जो बलोची लिबास पहनकर या बलोची दस्तार पहनकर या बलूची शान से कोई बलोची शेर लिख ले या कोई बलोच हिस्ट्री के बारे में बात कर ले तो उसे तो एंटायर स्टेट कह कर उठा लिया जाता है तो या उसकी लाश मिलती है या वो उसका कभी अबाउट्स का पता नहीं चलता और लाश की भी ऑर्गन्स नहीं होते कई बार तो उस सिचुएशन में जब यूनाइटेड नेशन से हमारी यही आ, आ, अपील है कि यूनाइटेड नेशंस बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करे और बलूचिस्तान के लोग जब वहाँ से आर्मी बाहर निकलेगी और जो उस वक्त जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होगा तो बलूचिस्तान के लोग ख़ुद अपना इलेक्शन करेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड एक्साइल है वो एक पीसफुल इंस्टीट्यूशन है हमारा काम सिर्फ डिप्लोमेसी है हमारा काम अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है और अपने लोगों को एजुकेट करना और दुनिया को एजुकेट करना है बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन uh, है वो जंग की सिचुएशन है सिविल वॉर की सिचुएशन है यानी बलोच और पाकिस्तान की रियासत एक दूसरे से um, जंग कर रहे हैं बाकायदा जंग हो रही है और जो सिविल पापुलेशन है वो बे विक्टिमाइज विक्टमाइज़ की जा रही है आपको पता है यानी आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज तो जंग लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखती वो जहाँ जंग की का सिचुएशन हो तो वहाँ या वो डिफ़ीटेड होते हैं या भाग जाते हैं लेकिन उनका जो, जो जोर है वो हमेशा सिविल पापुलेशन के ख़िलाफ़ होता है तो घरों को जलाना घरों को उजाड़ना स्टूडेंट्स को उठा लेना जो भी पीसफुल लोग हैं बच्चियों को औरतों को उठा लेना बेआबरू करना बेज़त करना ये सारे काम वो करते हैं लेकिन इस सारी जो जो सिचुएशन है Uh, उसको कलेक्टिवली अगर आप देखें तो वो जेनोसाइड है यूनाइटेड नेशंस के uh, जो डेफिनेशन है जो इंडिकेटर्स हैं जेनोसाइड के वो सारे के सारे बहुत ऑब्वियस हैं जो नज़र आ रहे हैं मेकिंग दैम अदर्स से लेकर मेकिंग दैम विक्टमाइज और डी और उसके बाद आप देखिए कि जो सब वो कर रहे हैं हमारे साथ उसके बाद उसका मुकम्मल डिनयल मीडिया ब्लैकआउट और एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव वो रख लेते हैं जाकर बाहर की दुनिया में कभी पैकेज दिखा देते हैं कभी कोई और ऐसे वो दिखाते हैं कि कमीशन बना लिया इंक्वायरी कमीशन बना लिया जुडिशल कमीशन बना लिया ऐसी चीज़ें दिखाकर जो कुछ वो कर रहे हैं जेनोसाइड वो उस पे पर्दा डाल देते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी नहीं आई पाकिस्तान uh, में ये होता है कि जब सिचुएशन uh, फ्रूटफुल uh, होती है uh, बाहर से कहीं इनको uh, कराए की किसी जंग का कोई प्रोजेक्ट मिलता है जैसे अफ़गानिस्तान का प्रोजेक्ट तो आर्मी uh, आकर सारी चीज़ों को डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है और फॉरेन मार्शल अलग जाता है या फिर आर्मी चीफ जो होता है वो प्रेसिडेंट uh, बन जाता है और uh, जब uh, हालात थोड़े से फ़ौज के लिए परेशान होते हैं जैसे आजकल हैं इकनॉमिकल कंडीशंस ख़राब होती हैं तो फिर ये सिविल गवर्नमेंट को सामने ले आते हैं सिविल गवर्नमेंट इनके पपेट्स हैं इनके मास्क हैं पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी आई नहीं जिस बैकग्राउंड से आते हैं पाकिस्तानी फ़ौज इनके बैकग्राउंड में औरतें बहुत लो लेवल का उनका स्टेटस होता है और इनके यहाँ जो है औरतों का जिसम फरोशी का बिज़नेस जो है वो मेरा ख़्याल है साउथ इंडिया में सबसे पुराना है इनके लिए जो इनका फ्यूडल सिस्टम है जिसमें ये आ, जो इनके पेजेंट्स हैं या जो बजगर हैं उनकी औरतों को जिस तरह से ये बेज़त करते हैं तो इनके यहाँ औरतों के रिस्पेक्ट का औरतों के ऑनर का बेसिकली वो कल्चर नहीं है जब वो बलूचिस्तान आते हैं तो वो बलूच औरतों के साथ भी उसी तरह का आ, बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और अनबेरेबल uh, है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते इसमें जो है इन्होंने आपने ज़रीना मरी का सुना होगा मुनिर मेंगल ने ख़ुद उनको एक टॉर्चर सेल में देखा वाजह ने और वो जिस हालत में देखा वो हमारे लिए तो एक कौमी मौत है एक जिस तरह एक इज्तमाही मौत है हमारी कौम के लिए और इस तरह डिसऑनर किया है इन्होंने और उसका वो एक वाक्य नहीं है आपने देखा होगा कि समी बुकटी एक बलोच खातून थी उनको ये उठा कर ले गए उनकी टॉर्चर रेप की हुई बॉडी इन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी डेरा बगटी में इन्होंने इतनी जो है मकरान में इन्होंने बहुत औरतें आवारान में इन्होंने जो है उठाई माहल बलोच का आपने वाक़ा देखा कि एक बच्ची अपने घर में छोटी अपनी बच्चियों के साथ वो सो रही थी उसको गेस्ट्स के सामने उसकी मदर इन लॉ के सामने आकर उठा कर ले गए और उस पर झूठा केस बनाया कि के हमने इससे सुसाइड जैकेट पकड़ी है अब आ, उसको टॉर्चर किया उसकी बच्चियां जो उसके साथ थी उठाकर ले गए थे उन्होंने पूरी रात किसी उसी प्रेमिस से पुलिस स्टेशन से उसकी चीखों की आवाज़ें सुनी आ, उसके बाद जो है जहां पाकिस्तानी मीडिया को होना चाहिए कि जो कुछ वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं बलूचिस्तान में उसको पोर्ट्रे करें वहाँ आपको पाकिस्तान का मीडिया नहीं मिलेगा लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कैप्टिविटी में जेल के अंदर जाकर माहौल का इंटरव्यू लेता है और वो सहमी हुई बच्ची बैठी हुई है और वो देख रही है कि कोई उसको वहाँ से डायरेक्शंस दे रहा है इस तरह के मीडिया ट्रायल हमारी बच्चियों को ले जाकर हरास करके टॉर्चर करके लिए गए हैं